उस रात एग्जैक्टली हुआ क्या था? लगता है 6 महीने पहले ही जेल से बाहर आए हो। हम चेक किए थे, अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ है। वैसे आपके घर भी बेटी है क्या? क्या करेगा जानते? आज मेन्यू में एक मटर भी है चाचा। बचपन से ही भाई मेरे लिए सब कुछ है। तेरा गेम बजा के घर जाकर सोना भी तो है। पूछो भाई, टाइम नहीं है। तो इस हफ्ते के फ्राइडे के दिन के पहले ही हमें बहुत सारा ओटीटी कंटेंट सरप्राइज रिलीज होते हुए देख चुका है, जो ढेर सारा कंटेंट अभी देखने के लिए अवेलेबल है। लेकिन आज के दिन में भी बहुत सारा ओटीटी कंटेंट रिलीज हुआ है, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर हमारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के बाद वो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा देना, जिसमें सबसे पहले अमेज़न प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से एक बॉलीवुड की अजय देवगन की नई मूवी औरों में कहा दम था को रेंटल बेसिस पे सरप्राइज रिलीज कर दिया गया है। जी हां, अभी ये मूवी रेंटल बेसिस पे अमेज़न प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। और ये अमेज़न वाले भी क्या सटे आ गए हैं, मतलब ऐसी फ्लॉप मूवी को 349 रुपए के रेंट पे लगा रखा है। इससे अच्छा तो बंदा थिएटर में जाके देख ले, लेकिन थिएटर में भी बंदा अपने पैसे बर्बाद ही समझेगा इस मूवी को देखते हुए। तो कौन होगा जो 349 रुपए का रेंट देके इस मूवी को अमेज़न पे देखना चाहेगा? कोई पागल ही होगा या फिर कोई अंबानी अडानी होगा जिनके पास अंधा पैसा है। तो चलिए, जो भी है, अभी रेंटल बेसिस पे देखने के लिए अवेलेबल हुई है 349 रुपए के। तो आपके लिए अपडेट दे रहा हूँ, जो एक रोमांटिक इमोशनल ड्रामा मूवी है जिसमें हल्की कॉमेडी और बाकी एवरेज सी कहानी देखने को मिलती है, जो ज्यादा रिकमेंडेड नहीं है बट ट्राई कर सकते हैं अभी देखने के लिए अवेलेबल हुई है। तो इसके बाद अमेज़न के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से ही 30 अगस्त को रिलीज की गई थी रेंटल बेसिस पे ही एक हिंदी हिट कॉमेडी ड्रामा मूवी बैड न्यूज, जो अभी तक रेंटल बेसिस पे ही अवेलेबल थी। अभी आज से इस मूवी को बिना रेंट के भी अवेलेबल कर दिया गया है। जी हां, विकी कौशल एमी विर्क वाली ये कॉमेडी ड्रामा मूवी अभी बिना रेंट के देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है अमेज़न प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, जिसे आप नॉर्मल सब्सक्रिप्शन के साथ ही देख सकते हैं अभी, जिसमें कहानी हमें बढ़िया कॉमेडी वाली देखने को मिलती है, जो ओनली बड़े बच्चों के लिए ही बनाई गई है। मतलब कि अपनी फैमिली के साथ देखते हुए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाओगे तो अकेले में ही देखना बेहतर रहेगा अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो। और कहानी हमें एक ऐसी लड़की की देखने को मिलती है जो अनजाने में ही 2 बच्चों की माँ बनने वाली है और दोनों ही बच्चों के बाप अलग अलग होते हैं। तो अभी कहानी कैसे आगे बढ़ती है वही हमें इस मूवी में हंसाते हुए दिखाया जाता है। इसके बाद डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से साउथ की एक बढ़िया एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज गोली सोडा राइजिंग सीरीज को रिलीज कर दिया गया है, और वो भी हिंदी डब लैंग्वेज में। जी हां, यह गोली सोडा राइजिंग वेब सीरीज हमें अभी हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, जिसमें कहानी हमें एक मार्केट की देखने को मिलने वाली है, जहां पे 4 बंदे मिलके अपना ही बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने कई सारे चैलेंजेस आने वाले हैं, जिसको ही इस सीरीज की कहानी में एक्शन और थ्रिल के साथ दिखाया जाता है, जो एक क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज है जिसमें कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलेंगे। तो इस वेब सीरीज के पहले 3 एपिसोड अभी डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं, और बाकी रहते हुए एपिसोड हमें वीकली एक एक करके देखने को मिलेंगे। इसके बाद कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अमेज़न प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बॉलीवुड की एक बढ़िया सस्पेंस इमोशनल ड्रामा मूवी ब्लीडिंग लव को इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जा सकता है। तो ये मूवी अभी हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसे कल दोपहर से ही अमेज़न प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी अवेलेबल कर दिया गया है। इसके बाद आज के दिन में, मतलब कह सकते हैं कि कल देर रात से ही Zee5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई हिंदी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम है बर्लिन, जो एक बढ़िया रिकमेंडेड मूवी है, जिसमें हमें एक बढ़िया मिस्ट्री की कहानी देखने को मिलती है, जिसमें एक टेररिस्ट अटैक होने वाला होता है रशियन प्रेसिडेंट के ऊपर, जो अभी इंडिया में विजिट करने आया होता है। तो इंडियन सीक्रेट एजेंसी उसको कैसे बचाते हैं और अटैक को कैसे रोकने वाले हैं, वही कहानी हमें मिस्ट्री सस्पेंस और ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ दिखाई जाने वाली है, जिसमें हमें आयुष्मान खुराना के भाई अपार शक्ति खुराना और उसके साथ राहुल बोस मेन रोल में देखने को मिलने वाले हैं। तो और बाकी स्टारकास्ट भी काफी बढ़िया होने वाली है। तो ये एक रिकमेंडेड मूवी है आज के दिन की। इसके बाद लाइन्स गेट प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से एक बढ़िया हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम है लेट नाइट विद द डेविल, जिसमें हमें एक ऐसे टीवी शो की कहानी देखने को मिलने वाली है जो हर रात को एक नए सच्चे डरावने केस को लेके सामने आता है। मतलब कि असल में ये सच्ची कहानियों से इंस्पायर्ड नहीं है, बट कुछ आइडिया जरूर है जो सच्ची कहानियों से लिया गया है, जिसमें हमें हर रात एक नए केस को दिखाया जाता है
जब लाइव शो में कुछ ऐसे डरावने इंसिडेंट्स होते हैं जो ऑडियंस के साथ साथ हमें भी बहुत ज्यादा डराने वाले हैं। जो एक जानलेवा टीवी शो होता है तो कहानी कितना डरा पाती है या नहीं वो तो इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा, जो अभी हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है लायंस गेट प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे। इसके बाद इस फ्राइडे को ही साउथ की एक बड़ी मूवी हिंदी डब में टीवी प्रीमियर होते हुए देखने वाली है, जिसका नाम है भीमा, जो अभी इस फ्राइडे की रात 8 बजे से जी सिनेमा के टीवी चैनल पे हिंदी डब में टीवी प्रीमियर होने जा रही है, जिसे अभी तक ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया है OTT पे। जो एक एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग 5.3 की चल रही है। इसके बाद नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से जो एक बढ़िया सच्ची कहानियों से इंस्पायर्ड क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी होने वाली है और मूवी का नाम है सेक्टर 36, जिसे अभी 13 सितंबर से डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर किया जाने वाला है। और कहानी इस मूवी की होने वाली है दिल्ली में निठारी कांड के ऊपर, जहां पे 13 बच्चों की लाशें मिली थी, और लाशें भी नहीं कह सकते, उनके हड्डियों के बाकी बचे हुए हिस्से ही मिले थे, मतलब के बहुत लंबे समय से इन बच्चों को मारा जा रहा था, जिसके बाद ही एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी और उसी इन्वेस्टिगेशन को लेके ही ये एक नई मूवी आ रही है, जिसे अभी 13 सितंबर से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर किया जाने वाला है और उसी इन्वेस्टिगेशन को डिटेल में दिखाया जाएगा इस मूवी में। इसके बाद इस फ्राइडे को ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है एक नई साउथ कोरियन एक्शन क्राइम कॉमेडी ड्रामा मूवी ऑफिसर ब्लैक बेल्ट, जिसमें हमें एक ऐसे लड़के की कहानी देखने को मिलने वाली है जो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के साथ काम कर रहा होता है। तो उसके साथ अभी आगे क्या क्या होने वाला है कहानी में, वही हमें एक्शन और क्राइम भरी कहानी में हंसाते हुए दिखाया जाने वाला है इस मूवी में, जो एक डार्क क्राइम कॉमेडी एक्शन मूवी होने वाली है, जिसको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी इस फ्राइडे दोपहर 12:30 बजे से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल कर दिया जाएगा। इसके बाद इस फ्राइडे के दिन में ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे एक नई हिंदी डब साईफाई एक्शन एडवेंचर फैंटेसी सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर मूवी रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है अगलीज, जिसमें कहानी हमें फ्यूचर की एक ऐसे टाइम की देखने को मिलने वाली है जब एक ऑर्गेनाइजेशन की ओर से 16 साल के ऊपर होने पर सभी को ही कॉस्मेटिक सर्जरी दी जाती है, लेकिन उसके पीछे का राज कुछ और ही होता है, जो ही हमें इस मूवी को देखने के बाद पता चलेगा। तो उसके बाद कहानी कैसे एक्शन और थ्रिल के साथ आगे बढ़ती है, वही इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है इस मूवी का, जो अभी इस फ्राइडे दोपहर से ही इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे। इसके बाद लास्ट ईयर साल 2023 में थिएटर्स में रिलीज की गई थी एक साइलेंट रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी गोंडोला, जिसकी IMDb रेटिंग 6.7 की है और ये एक ओरिजिनल जर्मन मूवी है, जिसमें हमें कोई भी डायलॉग देखने को नहीं मिलता, मतलब कि ये किस लैंग्वेज में रिलीज हुई है उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसमें जो होने वाला है वो सिर्फ इमोशंस होने वाले हैं, जिनको समझने के लिए किसी भी लैंग्वेज आने की जरूरत नहीं है, जिसकी IMDb रेटिंग काफी बढ़िया है 6.7 की, तो इस मूवी को देखना तो बनता है। 13 सितंबर से बुक माई शो स्ट्रीम पे देखने को मिलने वाली है। इसके बाद पंजाबी ऑडियंस के लिए ही एक पंजाबी दिग्गज एक्टर दीप सिद्धू की काफी टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई थी एक बढ़िया क्राइम एक्शन मिस्ट्री थ्रिलर मूवी जोरा 10 नंबरिया का चैप्टर 2, लेकिन जहां पे पहला पार्ट OTT पे रिलीज कर दिया गया था, दूसरा पार्ट अभी तक भी हमें OTT पे रिलीज होता हुआ नहीं दिखा। तो फाइनली अभी बहुत टाइम बाद हमारे बीच नहीं रहे, दीप सिद्धू की इस मूवी को OTT प्रीमियर किया जा रहा है इस फ्राइडे, मतलब के 13 सितंबर से Cable 1 के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होते हुए दिखने वाली है। तो ये भी इस मंथ की एक मस्ट वॉच मूवी होने वाली है, जिसे अभी OTT प्रीमियर किया जाने वाला है। इसके बाद इस फ्राइडे के दिन में ही पंजाबी ऑडियंस के लिए एक बड़ी इमोशनल ड्रामा मूवी रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है अरदास, जो इसी मूवी का 3rd पार्ट होने वाला है, और ये मूवी सीरीज काफी सुपरहिट जा रही है, जिसको पूरी ही पंजाबी ऑडियंस की ओर से बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। बाकी जल्दी ही हमें चौपाल के OTT प्लेटफॉर्म पे भी देखने को मिल जाएगी, मतलब पंजाबी ऑडियंस के लिए कम से कम नवंबर मंथ तक का इंतजार करना पड़ेगा, जब इसे चौपाल के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाएगा। इसके बाद करीना कपूर के साथ, जिसका नाम है बकिंगम मर्डर्स, जो भी एक बढ़िया नई हिंदी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी होने वाली है, जिसमें हमें UK की कहानी देखने को मिलेगी, जहां पे कई मर्डर्स होने शुरू हो जाते हैं, और करीना कपूर इस मूवी की कहानी में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के रोल में देखने को मिलने वाली है। और बढ़िया बात है कि इस मूवी को हंसल मेहता जी की ओर से बनाया गया है, लेकिन सितंबर मंथ में इसको थिएटर्स में रिलीज किया जाने वाला है, जिसकी रिलीज डेट रखी गई है 13 सितंबर की। इसके बाद इस फ्राइडे के दिन में ही एक बड़ी और बढ़िया मस्ट वॉच हिंदी मूवी री रिलीज होने जा रही है, जिसका नाम है तुम्बाद। तो ये मूवी काफी टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज की गई थी, बट अभी इस मूवी को दोबारा से रिलीज किया जा रहा है, तो ये बड़ी हॉरर थ्रिलर मूवी हमें इस फ्राइडे से थिएटर्स में रिलीज होते हुए देखने वाली है। इसके बाद साउथ की ही काफी टाइम पहले अनाउंस की गई थी सनी लियोनी एंड जैकी श्रॉफ के साथ एक बड़ी एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी कोटेशन गैंग, जो काफी टाइम से लटकती हुई आ रही है। यह मूवी अभी हमें 13 सितंबर से थिएटर्स में रिलीज होते हुए देखने वाली है, जो एक बड़ी पैन इंडिया मूवी है, जिसको साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज किया जाने वाला है। बाकी ये था अभी तक का कंफर्म हुआ कंटेंट, तो जल्दी ही मिलते हैं कल वाली वीडियो में नए एंटरटेनमेंट की नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, और वो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा दें। टाटा बाय बाय।